142 पदों के लिए प्रदेश में बनाए गए 64 सेंटर्स पर दो पालियों में परीक्षा आयोजित की गई है और इस परीक्षा में 158,000 परीक्षार्थियों ने हिस्सा लिया। एग्जाम देने के बाद परीक्षा केंद्रों से बाहर निकले छात्र काफी खुश दिखाई दिए। छात्रों ने कहा कि इस बार पिछली बार की तुलना में सरल सवाल पूछे गए थे। 142 पदों के लिए आज पीएससी की परीक्षा आयोजित की गई। 64 केंद्र बनाए गए थे। 1.5 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने पार्टिसिपेट किया है, इस प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल हुए हैं। किस तरह का सवाल था, कितना कठिन था? इजी था, आराम से कोई भी क्वालिफाई कर लेगा। कम्युनिकेशन स्किल से थोड़े थोड़े पूछे गए थे, फिर बाकी रीजनिंग ही थे, फिर छत्तीसगढ़ के थोड़े थे और हिंदी के थोड़े थे, बस आराम से कोई भी क्वालिफाई कर लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप बताएंगे कैसा रहा आपका, ये चेहरे बता रहे हैं। हाँ, पेपर बहुत अच्छा था, कोई भी इसमें क्वालिफाई कर लेगा जी। हाँ, तैयारियों के हिसाब से जो एग्ज़ाम है कठिन हुए या फिर ठीक ठाक था? आसान था इस साल, बहुत आसान था। किस तरह के सवाल आए थे? डिप्टी सीएम कौन है ये भी पूछा गया था। हाँ, डिप्टी सीएम कौन है ये भी पूछा गया था। हाँ हाँ, वो पिछले में पूछा गया था जेएस में, अभी ये सी सेट का है तो इसमें भी पूछा गया है, तो इसमें ना संप्रेषण मतलब कम्युनिकेशन का ज़्यादा पूछा गया है इसमें जी। किस तरह के सवाल आए थे, एक दो सवाल हैं क्या जो बता सकते हैं? ये जैसे ये कहाँ है जी, ये कम्युनिकेशन से ज़्यादा आया है इसमें क्वेश्चन जो है जी। हाँ, आप इसमें देख सकते हैं, मैं दिखा रहा हूँ आपको। कुल मिला के पेपर कैसे गया और अभ्यर्थी परीक्षा हाल में किस तरह की जो माहौल एक होता है चेहरे में जो खुशियाँ होती हैं? हाँ, तो बहुत अच्छा गया है ये पेपर, बहुत सरल था, मैथ्स भी अच्छा आया है जी। उम्मीद आ गया और क्लियर कर लेंगे सब? हाँ, अब वो तो रिजल्ट ही बताएगा। चलिए फिलहाल देखिए, रिजल्ट को सबको इंतजार है रिजल्ट का, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सभी के चेहरों पे मुस्कान है। कम्युनिकेशन का जो एग्ज़ाम हुआ है वो अच्छा आया था, इससे पहले जो जीके वगैरह इसके हुए हैं उसमें भी जो है पेपर हैं वो अच्छे आए थे। कुल मिलाकर ये है कि परीक्षा अच्छा हुआ है और जो क्वेश्चन आए थे वो भी अच्छे हैं बताए जा रहे थे, जिस तरह से परीक्षार्थियों ने तैयारी जो की थी बेहतर परिणाम आने की बात कह रहे हैं। कैमरा पर्सन एम नवीन के साथ युगल तिवारी, न्यूज 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। हर खिलाड़ी का सपना होता है अपने देश के लिए मेडल जीतना, लेकिन उसके सपनों के आगे अगर गरीबी की दीवार खड़ी हो जाए तो आप क्या कहेंगे? दुबई में अंतर्राष्ट्रीय कराते प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है जिसमें छत्तीसगढ़ के 3 खिलाड़ियों का चयन भी हुआ है, लेकिन आर्थिक संकट इनकी कामयाबी की उड़ान में रोड़ा बन रही है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता 16 से 25 फरवरी तक दुबई में होने जा रही है। जायद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में वर्ल्ड कराटे चैंपियनशिप होगी। इस प्रतियोगिता में 127 देश के खिलाड़ी भाग लेंगे। भारत से भी 49 खिलाड़ियों का चयन हुआ है जिसमें छत्तीसगढ़ कराटे फेडरेशन के बिलासपुर के 3 खिलाड़ियों हेत्रो महानंद, देवाशीष और स्नेहा बंजारे का चयन हुआ है। इस प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए हर खिलाड़ी पर करीब 2 लाख रुपए से ज्यादा खर्च आएगा। हाँ, ये तो बात एकदम सही है, हम लोग बहुत गरीब परिवार से हैं तो पैसे का तो बहुत दिक्कत है, लेकिन अब इस खेल में एक दीवानगी है, हमको अपने भारत के लिए खेलना है और ये अवसर मिला है तो इस अवसर को मैं खोना नहीं चाहता हूँ। इसलिए मैं अपने व्यक्तिगत संबंधों का मदद लेकर के कर्ज के रूप में अभी मैं पैसा लेकर के टिकट वगैरह करवाया हूँ ताकि मैं ये अवसर ना खोऊँ। मेरे को भारत देश का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है और मैं पूरा प्रयास करूँगा कि माँ भारती के लिए मैं पदक प्राप्त करके लौटूँ। झाड़ू पोछा और रिक्शा चलाकर जीवन यापन करने वाले इन गरीब परिवार के बच्चों के लिए इतनी बड़ी रकम जुटाना बड़ी परेशानी बन गई है। इनके परिवार ने भूखे प्यासे रहकर उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी तो बना दिया, लेकिन 7 समंदर पार होने वाली प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए ना तो उनके पास फ्लाइट की टिकट है, ना ही वहाँ ठहरने खाने पीने की कोई व्यवस्था। ऐसे में खिलाड़ी और परिजन जनप्रतिनिधियों और प्रशासन से आर्थिक मदद की गुहार लगा रहे हैं। तकलीफ से पाले हमारा बेटा को, झाड़ू पोछा करके भी हमारा बेटा को आगे बढ़ाए हैं, एसी करके आगे बढ़े हमारा बच्चा। तो किसी को पैसा मांगते थे, किसी को क्या करते थे, हमारा बच्चा कहीं जाएगा हमारा बेटा भी ऐसे आगे बढ़ेगा, अब दूसरी जैसे दिखेगा, दूसरी से चलेगा। हम इतना तकलीफ से पाल रहे हैं, लोग दूसरी उदय हो रहे हैं, हम गरीब लोग क्या करेंगे, इसीलिए हमारा बेटा को आगे थोड़ा से बढ़े बोल के कहीं भी 2 रोटी खा के 1 रोटी बचा के हमारा बेटा को आगे बढ़ाए। दुबई में होने वाली अंतर्राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता के लिए बच्चे दिन रात कड़ी मेहनत कर रहे हैं,
लेकिन आर्थिक संकट इनकी कामयाबी की उड़ान में रोड़ा बन रहा है। ऐसे में जरूरत है कि सरकार इनकी मदद करे ताकि देश के लिए ये मेडल जीत सके और दुनिया में भारत का नाम रोशन कर सके। बिलासपुर से न्यूज 18 के लिए उमेश मौर्य की रिपोर्ट। न्याय यात्रा के दौरान कांग्रेस में गुटबाजी को लेकर बीजेपी विधायक राजेश मूणत ने कांग्रेस पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस गुटबाजी की जननी है, यहां व्यक्ति और परिवार पर आधारित राजनीति चलती है। मोहन मरकाम जी थे, राष्ट्रीय अधिवेशन में उसका फोटो गायब कर दिया था। राष्ट्रीय अधिवेशन में क्या था, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। किस प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष हो और उसकी सरकार हो और उसका राष्ट्रीय अधिवेशन में फोटो गायब कर दे, प्रभारी ने डांटने के बाद में छोटा सा एक कॉन्टेम फोटो लगाया था, तो अभी ये तो चलेगा। और इसलिए जब छत्तीसगढ़ में पूना इनके सर्वोच्च नेता राजकुमार पदार रहे, तो जरा कांग्रेस की करनी जो 5 साल की रही है, जरा उस पर भी अपना थोड़ा प्रकाश डाल देना। जिस प्रकार से इस प्रदेश में भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस नायक के रूप में रही है, वो जनता ने नकार दिया, 10% वोट पीछे गई है कांग्रेस पार्टी, इस पर भी तो राहुल गांधी जी थोड़ा सा प्रकाश डाले, इस पर भी तो कुछ कहे। और कुछ लोग तो जेल में है, कुछ लोग बेल में है, और कुछ लोग इंतजार में है, जरा इन पर भी प्रकाश डाले। यहाँ आकर के छत्तीसगढ़ जाति वर्ग संघर्ष के आधार पर नहीं छत्तीसगढ़। और आइए अब देखेंगे।